खूबसूरत मॉर्निंग के साथ गर्मा गर्म चाय। वेलकम टू माय व्लॉग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। यहाँ पे अपने गैंग वाले सब बैठे चाय पी रहे। मॉर्निंग गाइस, यहाँ की चाय बहुत फेमस थी, मैं कभी चाय पीता नहीं हूँ, बट इनका जिस मैंने चाय टेस्ट किया तो मैंने ये सेकंड चाय पी रहा हूँ। तो जब भी आप ये साइड आओ तो ऑस्करवाड़ी मिसल मालेगांव के हाईवे पे ही लगता है ये, यहाँ पे चाय ट्राई कीजिए। तो अभी टाइम हो रखा है 7:30 मॉर्निंग के, और आपने कल के वीडियो में देखा हम लोग ओमकारेश्वर के दर्शन करके निकल चुके थे मुंबई के लिए अपने घर की ओर। तो फिर मैंने वहीं पे व्लॉग एंड करके फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि बहुत थके हुए थे और अंधेरा था बहुत। मेरा सपना था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूँ, उसमें से मेरे टोटल 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट हो चुके। सो उसके व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। सिर्फ एक घृणेश्वर महादेव जी का जो ज्योतिर्लिंग है उसका वीडियो नहीं है मेरे पास, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सी गड़बड़ हो चुकी थी। बट वो देखते हैं, वापस कभी मौका मिला तो फिर से जाएंगे। अपनी गाड़ी भी रेडी है तो फटाफट से गाड़ी में घुसते और फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा अपने घर की ओर। गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं मुंबई नाका नासिक, और हम लोग आ चुके तरी पोहा खाने के लिए, रुचि स्नैक्स कॉर्नर। हमारी आखिरी ख्वाहिश है जो पूरी करने आए हम लोग। भाई ने मिसल ऑर्डर कर दिया है, मैंने तरी पोहा। करण भाई का थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया है तो भाई ने भी नारियल पानी पिया है। कुणाल भाई इडली खा रहे कहीं और जाके, कौशल भाई कहीं और गए। मुंबई पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है अपने को, तो चलो फटाफट से तरी पोहा खाते। निकल पड़े अपने घर की ओर, सब ख्वाहिशें पूरी हमारी खाने की। ज़्यादातर हम लोग ने बस ये जर्नी में बस खाया ही है मोस्ट ऑफ। सिर्फ एक चीज़ रह गई जो कि है इसका छोले भटूरे कुणाल भाई का, वो कहीं नहीं मिला हमको, बाकी सब कुछ मिल गया। बहुत ही ठंडा मौसम है यहाँ पे, गतपुरी में फॉग रहता ही हमेशा। जब आए तब रात को नहीं था, बट अभी दिन में देखो 10:30 बजे और गाइस हम लोग आ चुके हैं इगतपुरी के मेन पॉइंट पे। बहुत ही गहरी खाई, कुछ नजर नहीं आ रहा है। जाने के टाइम पे सबके मुंह पे चमक थी, अब के अभी सबके मुंह पे धूप में घूम घूम के चमक चली गई। अभी रोज ऑर्डर खींचना पड़ेगा हमको। उधर जहाँ पे गए थे वहाँ पे धूप बहुत थी, और यहाँ पे देखो जैसे मतलब जैसे जैसे मुंबई की तरफ पहुँच रहे ना वैसे वैसे वातावरण, बारिश का मौसम होती जा रहा है। चलो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। अब हम जाने वाले हैं यहाँ से कोपर खेराने में। इस बंदे को फेंकेंगे, फिर फेंकेंगे इसको, फिर मेरे को ये लोग फेंकेंगे, बाद में इन लोग दोनों जाएंगे अपने अपने घर। अभी ये पूरा कसारा घाट स्टार्ट हो चुका है, और पूरे कसारा घाट उतरते उतरते ये फॉग ऐसे रहने वाला है। हम पहुंचे कोपर खेराने, हमारे कुणाल भाई के एरिया में, जहाँ से भाई को पिक किया था वही ड्रॉप करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं। चलो ये वो येलो वाला मैंने बैग में डाला है, मेरे को कौशल का प्रसाद वाशर लिया, मैंने सब ले लिया, सब ले लिया। ओके डन, चलो कब मिलेंगे? अभी मिलेंगे, नेक्स्ट ट्रिप बनारस जाएंगे तब। ओके ओके, चलो ट्रेन से जाएंगे अभी। चलो जी, चलो डाटा, बाय बाय। अपना घर आ गया, चलो अलविदा दोस्तों, चलो बाय बाय। कह रहा कौन है? नीरू काका। नक्ष क्या कर रहे?
सो चलो फाइनली दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से घर पहुंच गया सेफली। तो फटाफट से नहा धो लेता हूँ पहले, क्योंकि बहुत ही थक चुका हूँ मैं। और मेरे पापा आने वाले क्या डॉल लेके? क्या मेरे पापा आने वाले डॉल लेके? कहाँ से? मूल पे से। कहाँ गए तेरे पापा? दुबई। दुबई? हाँ। कैसे हाले? तेरे पापा दुबई गए? कभी गए? कल। इसके पापा दुबई चले गए, मैं घर आया और पापा दुबई चले गए। तुम्हें किसके साथ गए? किसके साथ में? दादा आ रहे। अच्छा दादा के साथ गए। हाँ। तो अभी आ जाने वाले? चलो गाइस बोल रही है उसके पापा दुबई गए डॉल लेने गए। हाँ डॉल भी ला रहे और एक घर भी ला रहे, एक डांस करना भी ला रहे। अच्छा ये सब लेके आ रहे गाइस? इसके पापा मतलब दुबई नहीं सूरत गए, वो बोल रही दुबई गए करके, तो उसके लिए कुछ खिलौने वगैरह लाने वाले हैं ऐसा वो बता रही है। तो कोई बात नहीं, चलो फटाफट से मैं नहा धो के रेडी होता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? नेक्स्ट डे हो चुका है, कल मैं आया वैसे ही तुरंत सो गया फ्रेश होके, क्योंकि बहुत थक चुका था। फिर रात को उठा, खाया और फिर सो गया, वापस सवेरे फिर सो गया, खाया सो गया, बस वही चल रहा है, क्योंकि तीन दिन की थकान थी वो पूरी अभी ख़त्म हो चुकी है। भाई का कॉल आ रहा है, बड़े भाई का, उनको कुछ काम है तो बोल रहे गाड़ी लेके आ। सो अभी घर के नीचे गाड़ी खड़ी है, वो मुझे कार लेके वहाँ जाना है। और चाबी और साथ में अपने बाइक की चाबी भी ले लेते। ओहो, एक्सेंट गाड़ी लेके जाना है। 10 दिन हो गए इसको स्टार्ट नहीं किया, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा अभी आके। पहले गाड़ी लेके आते भाई को। एक्सेंट गाड़ी है, मुझे लगा वैगनर रहेगी, अच्छा हुआ हमें सब चाबी लेके आया साथ में, वरना वापस मुझे ऊपर जाना पड़ता था। साथ में बाइक का चाबी भी लेके आया हूँ, क्योंकि बाइक भी अपने बहुत दिनों से स्टार्ट नहीं की है, सो आज उसको स्टार्ट भी करेंगे और चलाएंगे भी। गाड़ी वॉश कर रहे हैं, वो भाई ने तो फुल चमका दिया गाड़ी वॉश करके। ये रही अपनी दोनों गाड़ी, और दोनों गाड़ी में से एक गाड़ी आज जाने वाली है, तो वैगनर जाने वाली है। भाई अभी बैठे वैगनर में, अभी हम लोग आ चुके गाड़ी में एक्सीडेंट में, सो फाइनली हमारी गाड़ी चली गई अभी वैगनर। सो अभी वो क्या था, मैं कन्फ्यूज था, तो अभी पूछते हैं भाई को क्या क्या फिर कहाँ चली गई गाड़ी अभी अपनी। अभी बिजनेस को है ना एक्सपांड करने का है, 5 साल से भाई बहुत गाड़ी चला ली, अभी थोड़ा थोड़ा बिजनेस को जो है ना वो एक्सपेंड करेंगे, तो इसीलिए अभी जो है ना ड्राइवर को दिए गाड़ी, टेंशन ना दी। इसमें लाइट का बहुत दिक्कत ही है गाड़ी में, एक्सेंट में आगे लाइट नहीं है। ओ भाई डीवाई पार्टी दे रहा भाई आ चुका है। हा? कौन सा टी शर्ट पहन दिया? स्कूल वाला। उस दिन तू पहना था क्या ये फुटबॉल क्लास में? वो दूसरा पहना था उसके। हाँ यही पहना था। तो तू मेरे तो रेड टी शर्ट में ढूंढ रहा था वहाँ पे, उधर वो नहीं पहना। कहाँ जा रहा है? चलो भाई, तो फिर अपन वैगनर का जो सामान है सब वो सब मैंने एक थैली में ले लिया है, फटाफट से सब सामान रखते घर पे और फिर अपनी वापस वो बाइक निकलते जो 10 दिन से खड़ी है। काफ़ी दिनों बाद फिर से बाइक पे रेडी टू रेस, उज्जैन से आके सीधा बाइक राइड। जब से मैंने बाइक ली ना तब से मैंने बाइक को लेके ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाए, ना कहीं लंबा राइड पे गया हूँ जब मैंने बाइक ली। सो इसमें मैंने बहुत गिनी चुनी राइड मारी है, बहुत ही रेयर, तो सोच रहा हूँ फिर से एक लंबी राइड लगा दूँ इस पर इस महीने में या तो फिर अगले महीने में, लंबी राइड का प्लान करते हैं।